हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि भागफल विधि से मासा कैसे ज्ञात किया जाता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या देखिए, क्या है क्वेश्चन, 144 तथा 480 का मासा बताना है हमें। एचसीएफ मासा मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 144 और 480 का क्या निकालना है, मासा। तो क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। भागफल विधि मतलब भाग करना होता है, भागफल विधि से ज्ञात करना होता है। 144 व 480 भाग कर देंगे तो 144 दो बार तीन बार जाएगा, तीन चौके 12 का दो, तीन चौके 12 13 3 4 ये हो जाएगा। अब ये बचेगा 8 और ये 4। अब क्या करते हैं, जो संख्या आती है और पहली वाली संख्या जिससे भाग किए थे उसको भाग कर देंगे। तो ये 144 फिर 48 से कितनी बार जाएगा, ये तो तीन बार, 48 दुना 3 अठे 24 और 3 चौके 12 तो 14, यानी कि तीन बार कटेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 144। अब ये 0 0 हो गया, कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। तब क्या लास्ट भाज, जो संख्या लास्ट में आती है पूरा पूरा, जिससे जिस संख्या से भाग देने पर जीरो आ जाए या पूरी पूरी संख्या कट जाए, वही क्या होता है, मासा होता है उन संख्याओं का। तो यहाँ पे 144 एंड 480 का मासा क्या होगा, 48। चलिए नेक्स्ट एक देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे दिया हो 1080 तथा 1260 का मासा क्या होगा, ये दो संख्याएं हो और इनका हमें एचसीएफ बताना हो तो कैसे निकालेंगे। भागफल विधि से आसानी से निकाल सकते हैं इसको। तो क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। तो 1080 ये है 1260, तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 1080 हो जाएगा, 0 16 से 8 गया, 8 बचा और यहाँ पे 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, ये संख्या जिसको भाग दिए थे ये जितना बचेगा उसको भाग दे देंगे, यानी कि 1080 में भाग देंगे इसका। तो 5 18 5 90 18 5 90 6 18 छक्का 108, हाँ 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, 6 0 0 6 8 48 का 8 और 6 एकम 6 4 10, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया, जीरो आ गया। तो जिस संख्या से भाग देने पर लास्ट एकदम पूरी संख्या कट जाए या 0 0 आ जाए, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1080 और 1080 एंड 1260 का एचसीएफ क्या होगा, हो जाएगा 180, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ी संख्याएं कोई दी हो तो उनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जैसे कि 580 और 2560 का हमें एचसीएफ बताना हो तो इसका कैसे, इसमें भी वैसे ही करेंगे, छोटी संख्या से और बड़ी संख्या में 2560 में भाग कर देंगे। तो 580 5 चौके 20, 5 25 25 ज़्यादा हो जाएगा, 5 चौके 20 यानी कि हो जाए 4 0 0 2 हो जाएगा 23, यानी कि ये बचेगा 0, 6 से 2 4 बचेगा और 240। 240 से किस में भाग करेंगे, पहला जिससे भाग किए थे 580, फिर 240 24 दून हो जाएगा 48 480, फिर ये 0 8 से 8 जाएगा 0, 5 से 4 जाएगा 1, फिर 100 से किस में भाग करेंगे, 240 में। तो ये कितनी बार जाएगा, 100 दूना 200 हो जाएगा, ये बचेगा कितना, 0 40, फिर 40 से किस में भाग करेंगे, 100 में करेंगे, 40 से 100 में भाग करेंगे, तो 40 दुना 80 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 20, फिर 20 से जब भाग करेंगे इसको, 20 दुना यानी कि 40 में भाग करेंगे तो 20 दुना 40, यानी कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, जो लास्ट में जो भाजक होता है वही क्या होता है, एचसीएफ, यानी कि इन संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 20। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।